उफेरा यहाँ पे, उफेरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे महीने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और इस ऐसे कुकिंग सेगमेंट मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम, आवाज़ नहीं आ रही, कुकिंग सेगमेंट मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम किया है, वरना आपके साथ रमज़ान में होती रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा और एज़ ऑलवेज ऐसा लगता है एक फैमिली से उठ के दूसरी फैमिली में आ गई हूँ। और मज़े की बात, मैं नहीं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, भतीजे, कोई भी किसी भी वक्त लाइक अ फैमिली ना, कि आप लोग, पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है। और गलतियाँ हुई जिस तरह से आपने समझाया और सारी चीज़ें हुई, तो वो एक टीम की तरह काम करना इज़ ऑलवेज वेरी गुड, और आपसे हमेशा सीखा है। आई होप एंड प्रे कि आगे भी इसी तरह से हम काम कर सकें, और बहुत बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हूँ। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूँ कि 23 अप्रैल से हमारा मॉर्निंग शो जो है वो लॉन्च हो रहा है, और मॉर्निंग शो लॉन्च का मतलब ये है कि 23 अप्रैल से आप हमें हर रोज़ मंडे से फ्राइडे तक सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक देख सकेंगे। बस इतनी तालियां, मतलब खुल के नहीं बजेंगी। अरे ताहिर कुरैशी साहब, मुझे सामान और चाहिए, सामान और लेके आइए, वरना मैं आज आपको दे दूंगा इन लोगों को। मैं आपको ये ऐसे हंसिएगा मत, मैं दे दूंगा, एक एक करके दूंगा मैं आपको। ये एक आस्तीन चली गई, एक कॉलर दे दिया, चार बटन दे दिए। आज ताहिर भाई ऑन डिमांड। हाँ, आज आज तालियां जो है इसलिए कम हुई हो, समझ रहे, सामान खत्म हो गया, जल्दी दिखा दें लोगों को जरा सामान। जो कि देखें, ये बगैर सामान के भी तालियां बजाएंगे, बजाइए जरा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, सारिम भाई भी मौजूद है, नदीम भाई भी मौजूद है, और आपा भी मौजूद है, कोई वक्फे वाली बात ना पूछ। नहीं नहीं नहीं, इफ्तार बनती कैसी थी जो वहां से दो चीजें? हमें तो नहीं पता, जब अच्छी कोई चीज लगती थी आप कहते थे मैंने बनाई है, पता ही नहीं होता था कौन सी बनाई है। चीज तो अच्छी होती थी वो, लेकिन बहुत अच्छा बना, मजाक कर रहा है, बहुत अच्छा बना। अच्छा, मैंने कम कम ट्राई किया है जो फेरा ने बनाया, सही किया आपने। ऐसे आप माइक है क्या, ऐसे तंग कर रहे हो उसको अभी? हाँ, मैंने टिका के खाया जो इन्होंने बनाया। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, ये सबने देखा, बहुत अच्छा बना जी। ये सबने देखा है। बना कैसा था, बनता कैसा था? बहुत मजे का, बिल्कुल शक नहीं है। खाने में आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। मैंने कहा खाने में आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया, जिस तरह हमारे लीडर्स खाते हैं वैसे ही खाया। नहीं, उससे कम था, उससे कम खाते थे। मैं दिखा के खाया। हाँ, ये है वैसे। एक दिन बस वो मिर्चे नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो पैटी आपने बनाई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा खाना होता था। थैंक यू। साहिर भी कुछ कह रहे थे, मैं तो सिर्फ मैसेज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं और भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आज 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 फाइनल दिन है, तो अभी कुछ रिक्विजिशंस वगैरह अभी जानी है, चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने कहा आप लोग बिजी, आप लोग बात करें, मैं इतनी देर में मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं इस प्रोग्राम में लगातार इफ्तारियाँ करता रहा हूँ माशाल्लाह से, और फिर मुझसे दोस्त पूछते रहे तुम रोज़ाना यहाँ इफ्तारी करते हो क्या, बहुत जबरदस्त खाने बन रहे हैं। और मैं उनसे कहता था कि वाकई में ही अच्छे बन रहे हैं, और कुछ दोस्तों ने तो फरमाइश भी की अगर इतने ही अच्छे बन रहे हैं हमें भी साथ ले चलो। थैंक यू। तो मैंने उनसे कहा इंशाल्लाह अगली दफ़ा। नदीम भाई, ये वाली चीज़ आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट, के इफ्तार जिस तरह से यहाँ पे सजाई जाती थी, बिल्कुल, और भी चैनल्स में हम लोगों ने रमज़ान किया है, एक रीमा बहुत ख्याल रखती थी कि उनके गेस्ट जो हैं वो अपने पास है, और एक साहिर, और सबसे बड़ी बात साहिर खुद यकीन करें बीइंग अ होस्ट हमें लाला के देते थे, और इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट ऑफ हिम, ही यूज्ड टू सर्व हिमसेल्फ। जी बिल्कुल, सबको सर्व किया इन्होंने, और सबसे आखिर में खुद खाते थे, पहले हमें देते थे, और इफ्तार में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज को बहुत ख्याल रखना, और ये आसान चीज नहीं होती है। पूरा साल नेशन को भी सर्व करेंगे, मेहनत करते हैं, 24 घंटे जागते हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे जागते हैं, 2 घंटे सोते हैं। हाँ, ये वैसे अनबिलीवेबल है। मैं बताऊँ, यहाँ का जो माहौल है ना, और वो सिर्फ साहिर भाई की वजह से, जो सच बात है, अभी भी हम रोजे में बैठे हैं, सच सच बोलना है। ये हर चीज का टेस्ट ना
सिर्फ एक इस शख्स की वजह से था जो मेरा अपना जो हुआ है। मैं उस दिन एक और चैनल पे था, मुझे मसूदी भाई भी मिले, तो मैं उधर से एक और चैनल पे जा रहा था, तो कहने लगे आ रहे हैं, मैं बोला नहीं मसूदी भाई मैं उधर जा रहा हूँ दूसरे चैनल पे, कहने लगे आए ना वहाँ बड़ा मज़ा आता है, मैं बोला चले मैं आ जाता हूँ, मैं उनसे पहले यहाँ पहुँचा हुआ था फिर। तो वाकई में यहाँ आपके साथ आके ना इतना मज़ा किया हमने, मैं एक अरसे से आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशन में जाता आता हूँ सब बड़े बड़े चैनल्स पर भी हर जगह, लेकिन जो मज़ा मुझे यहाँ बैठ के आता है ना वो आज तक कहीं पर भी नहीं आया। ये एक सच है, एक फैमिली माहौल होता है, रिस्पेक्ट, डांटे भी पड़ती हैं, केयर भी होती है, ख्याल भी होता है, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो एक फैमिली जब में जब सब मिलके साथ रहते हैं तो वहाँ पर ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात है कि हर चीज़ का ना ख्याल, एक तो मैंने इनकी ट्रांसमिशन देखी है टेलीविजन, लेकिन मैं फिर कर रहा हूँ कि मैं पहली बार इनके साथ बैठा हूँ पूरा महीना, और हर चीज़ का, क्योंकि इनके पास ख्याल है, हर चीज़ का ख्याल है, बहुत ध्यान हर चीज़ में तवज्जे। मैं उस ख्याल का एक अंदाज़ बता दूं, जब वो नाच पढ़ रहे होते थे या कुछ होते होते थे, यहाँ से इशारे करते थे कि टीवी चलाओ यहाँ से। हाँ, वो बड़ी छोटी सी बात बता। और एक और चीज़ बताऊं, इनके दिखते दो कान हैं लेकिन आई थिंक बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे ना नज़र हर चीज़ पे होती है, क्या किसके साथ हो रहा है कि इन, आई थिंक जो मैंने ऑब्जर्व किया इनको बताए कोई ना बताए, यूं किया ना इन्होंने, तो मैं इनको देख रहा था यहाँ बैठ कर रहे। क्या करके आ रही कि, किसके इशारे का फील्डिंग सेट कर रहा है। हाँ। क्या हो क्या तो पता चला कि फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता था किसके अलावा ये भी स्क्रीन्स हैं। हाँ। तो पता चला कि वो मस्जिद नबी या खाना काबा। That was good, that was ये जब आपने बोला ना कि और कान है, ये वाकई सच है। अच्छा, वो क्या कहते हैं इसको, IFB भी नहीं लगाते, नहीं लगाते नहीं। मैं कई दिन में यूं ना गौर गौर से देखता था, कुछ हम आपस में बात करते थे, ये ऐसे हमें देख रहे होते थे, मैंने ये सुन रही बात हमारी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत ये है कि IFB हम लगाते कान में जब मेजबानी करते हैं, इनमें पूरा IFB का आदमी रखा हुआ है, वो वहां से इशारे कर रहा होता है। ब्रेक लेता हूँ ब्रेक के बाद।